नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल दुनियादारी आइडिया फॉर लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप ओडिशा डिस्कॉम्स की जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है उसकी डिटेल्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं सिर्फ एक मिनट में। तो दोस्तों, चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आपको मोबाइल या डेस्कटॉप के ब्राउज़र में जाना है और टाइप करना है ओडिशा डिस्कॉम्स और इंटर करना है। इंटर करने के बाद देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट ऑप्शन आपको शो कर रहा है ओडिशा डिस्कॉम्स, ये देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, ओडिशा डिस्कॉम्स की मेन वेबसाइट का जो पेज है ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए जो ब्लू कलर की लाइन है उसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड ऑप्शन जो है बिल ऑनलाइन, फ्रेंड्स उस पर आपको जाना है। वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं। क्लिक करने के बाद आपको एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसमें दिया रहता है यू कैन व्यू प्रिंट एंड पे योर बिल्स हियर। यहाँ पे आप बिल की डिटेल्स चेक कर सकते हैं, आपका बिल पे कर सकते हैं एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, इसमें दो ऑप्शन आता है आपका बिल की जो डिटेल्स है वो सर्च करने के लिए। फर्स्ट है कंज्यूमर नंबर और सेकेंड ऑप्शन है कंज्यूमर नेम। तो पहले सेकेंड ऑप्शन में आपको बता दूं, अगर इसमें जब आप नाम डालेंगे, नाम डालने के बाद आप जो भी नाम डालते हैं, सपोज मैं डालता हूं अशोक कुमार, तो अशोक कुमार डालने के बाद आपको देखना है आपका डिपार्टमेंट कौन से इलेक्ट्रिसिटी में आता है, नेस्को, वेस्को और साउथ को, ये आपको डिपार्टमेंट भी चेक करना पड़ेगा और उस पर क्लिक करके आपको प्रोसेस करना पड़ेगा व्यू एंड पे पे। लेकिन इसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम है, जब आप ये अशोक कुमार डाल रहे, जैसे आप अपना ही नाम डालेंगे तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसे हजारों अशोक कुमार आएंगे और आपके डिपार्टमेंट के, तो आपको उसमें आपका अकाउंट नंबर सर्च करना पड़ेगा। तो मैं इसे कभी प्रीफर नहीं करता हूँ, हमेशा प्रीफर करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन है कंज्यूमर नंबर। कंज्यूमर नंबर में दोस्तों आपका जो 12 डिजिट का कंज्यूमर नंबर होता है उसे आपको डालना है, जिसमें से आपका जो 4 डिजिट है वो SDO कोड होता है। तो मैं वो SDO कोड डाल देता हूँ। उसके बाद आपको जो सेकेंड ऑप्शन है वो होता है बाइंडर 5304 और लास्ट होता है आपका अकाउंट नंबर 3228। ये डालने के बाद, ये तो सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक कस्टमर का मैं आपको बता रहा हूँ, एक जब ये नंबर डाल लेंगे तो आपको नीचे एक बॉक्स बना दिखेगा व्यू एंड पे, तो इस पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए, परफेक्ट आपको कंज्यूमर डिटेल्स आ गया है जिसमें आप वेरीफाई कर सकते हैं कंज्यूमर अकाउंट नंबर, नेम, स्टेटस रेगुलर है मतलब ये टाइम टू टाइम इनका बिल वगैरह पे कर रहे हैं, एड्रेस है डोमेस्टिक, लोड कितना है इनका, ओल्ड अकाउंट नंबर क्या है, ये सब आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया है बिल डिटेल्स, फर्स्ट दिया है आपको बिल डिटेल्स। तो जब ये बिल डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बिल और मंथ दिखाएंगे, इसमें अप्रैल 2020, मार्च 2020, फेब 2020, जैन एक्सेट्रा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए नीचे आपको डायरेक्ट, जब इस पर जैसे सपोज मैं क्लिक करता हूँ अप्रैल 2020 पे मैंने क्लिक किया, तो जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए आ जाएगा करेंट बिल अमाउंट आपका 59, अरियर अमाउंट 3378, टोटल बिल अमाउंट 34378, मिनिमम अमाउंट पेबल 59 और आपको जो अपने हिसाब से पे करना है इंटर अमाउंट टू पे वो, और नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप मोबाइल नंबर और ईमेल डाल के कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पेमेंट ऑप्शन दिया है, पेमेंट मोड्स दिए हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल मैं डिटेल्स चेक करना बता रहा हूँ। तो ये देखिए आप जिस पे क्लिक करेंगे, और आपको क्लिक करने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पे सामने दिया भी है अरियर अमाउंट्स, करेंट बिल, रिबेट अमाउंट, नेट अमाउंट बाय रिबेट डेट, रिबेट डेट, नेट अमाउंट आफ्टर रिबेट डेट, ड्यू डेट एक्सेट्रा, ये सब आप यहाँ से ही चेक कर सकते हैं। फिर आप आ जाते हैं सेकेंड ऑप्शन, आप चेक कर सकते हैं रीडिंग डिटेल्स। तो देखिए दोस्तों ये रीडिंग डिटेल्स यहाँ पे शो कर रही है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है पेमेंट डिटेल्स, यहाँ पे देखिए दोस्तों जो पेमेंट डिटेल्स आपने जो किया रहेगा रिसेंटली वो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है आपका सन्ड्री डिटेल्स,
अगर कुछ है तो यहाँ पे शो करेगा, और लास्ट आपको शो करेगा कैंसिलेशन चार्जेस, कैंसिलेशन डिटेल सॉरी, अगर कुछ आपने किया रहेगा तो वो यहाँ पे शो करेगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना आसान है, आप यहाँ पे जाके उड़ीसा डिस्कॉम की साइट पे जाके अपना कंज्यूमर नंबर डाल के आसानी से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल की पूरी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं, कितना आपका रीडिंग डिटेल्स है, कितना आपका बिल का ब्यौरा है, पेमेंट का ब्यौरा क्या है, कहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं, आपका लोड कितना है, ओल्ड अकाउंट नंबर कितना है, नाम प्रॉपर चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसान है उड़ीसा डिस्कॉम्स की किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बिल को आसानी से वेरीफाई करना और उसकी डिटेल्स को चेक करना। तो दोस्तों ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।